अब बिहार के उस कटिहार गोलीकांड की बात करना जरूरी है, जहां तीसरे दिन जाकर पुलिस के एसपी और जिले के डीएम दो लोगों की मौत में एक वीडियो के साथ सामने आए। पुलिस का दावा है कि दो मौत की जिम्मेदारी पुलिस की गोली नहीं बल्कि माहौल बिगाड़ने वाली साजिश की गोली। पुलिस ने कटिहार में आज दावा किया कि सीसीटीवी वीडियो में गोली चलाने वाला एक लड़का नजर आया है, जिसकी पहचान अब तक नहीं हो पाई है। अब जब गोलीकांड का यह नया किरदार पकड़ा जाएगा, तब सामने आएगा कि क्या बिहार में माहौल बिगाड़ने के लिए सोनू और खुर्शीद को मार दिया गया। वीडियो नंबर एक जिसमें गोली चलाते पुलिस दिखती है, वीडियो नंबर दो जिसमें दावा होता है कि पुलिस की गोली से मौत होती है, और अब कटिहार के गोलीकांड में तीसरा वीडियो लेकर एसपी डीएम सामने आए। इस दावे के साथ ही कटिहार में बिजली कटौती पर प्रदर्शन के दौरान चली गोली से हुई दो मौत के लिए पुलिस नहीं बल्कि कोई और जिम्मेदार है। तो क्या सच यही है कि कटिहार में सोनू शाह और खुर्शीद आलम के परिवार में मातम के लिए जिम्मेदार कटिहार पुलिस की गोली नहीं बल्कि साजिश की कोई और गोली है? आपकी टीवी स्क्रीन पर अब दो लोग दिखते हैं। सफेद शर्ट वाले हैं रवि प्रकाश, कटिहार के डीएम हैं, और खाकी वर्दी वाले जितेंद्र कुमार, कटिहार के एसपी। सीधा दिख रहा है कि एक लड़का जो है वो आता है और दोनों को ठाए ठाए गोली मारता है और फिर जो है वो वहां से निकल जाता है। दरअसल अब तक जो वीडियो सामने आए उनको लेकर पुलिस और प्रशासन के मन में शंका रही, जिसके आधार पर दावा ये हुआ कि जहां मौत हुई वहां तक पुलिस की गोली की रेंज ही नहीं थी। दूसरा दावा ये हुआ कि वीडियो बनाकर वायरल करने के पीछे साजिश है, और तीसरा दावा इसी से जुड़ा कि वीडियो में आवाज आती है मर गया वीडियो में बोला जाता है। जिस वीडियो के आधार पर अब कटिहार पुलिस और प्रशासन को लगता है कि गोली कांड के दाग से वो बच गए, अब आप उस वीडियो को देखिए समझिए। इस वीडियो में बिजली दफ्तर के पास बहुत सारे लोग बाहर शांति से खड़े या बैठे दिखते हैं, तभी एक शख्स तेज कदमों से आगे बढ़ता नजर आता है। थोड़ी दूर जाकर कटिहार प्रशासन के मुताबिक ये दो लोगों पर गोली चलाता है। प्रशासन का दावा है इसने यहाँ पर सोनू शाह और नियाज नाम के युवा पर गोली चलाई, जिसमें सोनू शाह की मौत हुई, नियाज गंभीर रूप से जख्मी हुआ। जो यहाँ पर जो दिख रहा है कि यहाँ पर दो लोग जो थे, जहाँ पर सोनू शाह और नियाज दोनों जो यहाँ पर उनका वीडियो वगैरह आप लोग कभी देखे होंगे, यहाँ पर गिरे हुए थे, तो वो जो है हमारे कैमरा में है। तो फिर जो जब हम लोगों ने बिजली कार्यालय का डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस जो है हम लोगों ने देखा, तो ये संभव ही नहीं लगा कि ये वहाँ से कोई फायरिंग करके यहाँ पर उसको गोली लग सकती है। तो ये हमारे दिमाग में जो है हम लोग मन में आया कि ये तो हो ही नहीं सकता है। फिर हम लोगों ने जो वीडियो फुटेज हम लोग देख रहे थे उसको देखा, फिर सीसीटीवी कैमरा को देखा, तो अभी जो है वो दिख रहा है, और मैं आप लोग को वीडियो भी जो है ये शेयर हो जाएगा। तब सवाल उठता है कि तीसरा शख्स जो नियाज था उसे किसने मारा? प्रशासन के मुताबिक जहां नियाज का शव मिला उधर से ही गोली चलाने वाला ये आदमी आता है, तो क्या नियाज को भी उसी बंदूक से मारा गया? भीड़ का फायदा लेकर के कुछ क्रिमिनल तत्व के लोग जो है इस पूरे बारसोई का माहौल खराब करने के लिए ये पूरी प्लानिंग के साथ ये किए हैं। और अभी जो हम लोग का जो जांच है, जो प्रिलिमिनरी जो जांच है, जो फुटेज है और जो पीओ है, वो सारी जांच जो हम लोग ज्वाइंट किए। पुलिस इस गोलीकांड में 50 घंटे बाद एफआईआर दर्ज कर चुकी है। दो सदस्यों की जांच टीम बनी है। सुबह ही जेडीयू नेता ने बीजेपी एलजेपी को गोलीकांड के लिए जिम्मेदार ठहराया है। वो कौन लोग थे जिन्होंने इनोसेंट लोगों को बिजली के नाम पे जमा किया, उग्र किया, उग्र भाषण दिया, उनके हाथों में पत्थर दिया और उनको इतना उग्र किया कि जाके वो प्रशासन से टकराए? हम लोग लोकतांत्रिक मर्यादाओं का, लोकतांत्रिक वैल्यूज का पूरा ख्याल रखते हैं। प्रोटेस्ट कीजिए, कौन रोक रहा है? लेकिन उनको उग्र करना, उनको भड़काना, उनको हाथों में लाठी डंडा देना, ये सब भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता थे जिन्होंने ये किया है, और एक एक चीज जो है ना इंक्वायरी होकर के आएगी। आज बिहार में जिस जंगल राज के खात्मे के बाद नीतीश कुमार का उदय हुआ, फिर से नीतीश कुमार को ही ये दुर्भाग्य भरा सौभाग्य मिला कि फिर से उन्हीं के समय जंगल राज आया है,
और जो उनके मंत्रियों ने जिस ढंग से कहा है, जो करेगा वो गोली खाएगा। पुलिस अब वीडियो के जरिए शख्स की तलाश में जुट गई। ये पकड़ा जाएगा तब साफ होगा कि कटिहार गोलीकांड का सच क्या है, सियासत क्या है और साजिश क्या है। कटिहार से आदित्य वैभव के साथ रोहित सिंह, पटना आज तक।